नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नो। मैं हूँ बालकृष्ण शर्मा। आज हम पहुँच चुके हैं पीर की गली। यहाँ एक ट्रैवल अफेयर की तरफ से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था, काफ़ी संख्या में लोग आए। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर शाहिद कौल जी से कि यहाँ जो लोग आए हैं इनकी जो इन्होंने डिमांडें रखी हैं कितनी इनकी पूरी की। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इन लोगों की तरफ से जो डिमांडें थी रखा गया और आज तक यहाँ इन लोगों का कहना है कि यहाँ कोई आज तक आया नहीं है हमारे पास। तो बड़ी बड़ी इनकी डिमांडें हैं इनकी, जैसे यहाँ शेड नहीं है इनके पास, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है। क्या सर ये इनकी प्रॉब्लम कैसे हल? जैसा आप जानते हैं कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लगभग 3 महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया था सर्वे करने का, ऐसे तमाम लोगों का जो माइग्रेट करते हैं लाइव स्टॉक के साथ 6 महीने के लिए हाईलैंड पास्चर्स में जाते हैं। वो सर्वे कंप्लीट हुआ, उसके साथ साथ अब हम जो फैसिलिटीज़ की हमने प्लानिंग की, अब हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम आ गए हैं बड़ा फास्ट ट्रैक चीज़ों को लेके। तो ट्रांजिट अकोमोडेशन की इनकी रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियाँ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो प्लानिंग की थी उसमें इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 लोकेशन पे अप्रूव किया है जहाँ ट्रांजिट अकोमोडेशन शेड वगैरह इनको प्रोवाइड किए जाएंगे और अच्छी तरह साइंटिफिकली डिज़ाइंड। उसके अलावा इनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट थी स्कूल को लेके, बाकी फैसिलिटीज़ को लेके, उस पर हम काम करेंगे। सोलर लाइट्स जो है वो उनको इमीडिएटली मिलेंगी। राशन सप्लाई का है, उसमें अभी रिसेंटली ऐसी ही फीडबैक पे अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि जो लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं तो लोकल डिपोशन को राशन मिले तो वो मिलेगा। उसके बाद कुछ छोटी इनके इश्यूज़ थे जैसे ब्रिजेस को कनेक्ट करने के लिए है, बाकी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और WWF बड़ा मिलकर यहाँ काम करते हैं तो कंजर्वेशन में कम्युनिटी को एसोसिएट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो इनकी इस किस्म की रिक्वायरमेंट हैं ब्रिजेस की, पाथवेज की, या बाकी जो कम्युनिटी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ टॉयलेट्स की यहाँ पे बात हुई, तो वो सारी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर प्रोवाइड की जाएंगी। सर, इनका जैसे ये माल मवेशी होता है, बकरियाँ हैं, इनके लिए इनको दवाई वगैरह चाहिए होती है, वो दवाई के लिए क्या आपकी टीमें यहाँ भेज रहे हैं? इसमें ऐसा है कि एक तो जैसे जो ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उसमें इस साल हमने प्रोग्राम शुरू किया है और ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस किया है मोबाइल हॉस्पिटल्स के लिए कि जो हॉस्पिटल्स हर साल माइग्रेशन के साथ यहाँ पे आएँ, 6 महीने रहें, उसके बाद उनको यहाँ से वापस लिया जाए क्योंकि स्नोफॉल में यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहता है। और उसके साथ साथ जो वेटनरी हेल्थ केयर है उसके लिए हमने 5 करोड़ का बजट रखा है सिर्फ माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, जिसमें अपनी तरफ से हम सपोर्ट देंगे। बाकी जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनको जहाँ जहाँ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है किया जाएगा।